एमपी के हरदा जिले में भारतमाला योजना से पथ इंडिया कंपनी द्वारा फोर लेन सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जहां टिमरनी आदिवासी विधानसभा क्षेत्र ग्राम अधीरी खेड़ा में ग्रामीणों की कृषि भूमि को समतलीकरण करने के नाम पर आपसी समझौता कर खनिज विभाग से अनुमति ले ली गई है और मिट्टी का परिवहन डंपर के माध्यम से किया जा रहा है, जहाँ ग्रामीणों का आरोप है कि हमें कंपनी के एजेंट द्वारा 10 से 20 हज़ार रुपये देकर हमारी जमीनों से बड़े पैमाने पर डंपर से मिट्टी का हजारों डंपर ओवरलोड परिवहन किया गया, जिसके चलते बड़ी बड़ी खाइयां बन चुकी हैं, जिसके चलते भादू गांव से मुख्य मार्ग सड़क की हालत इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है कि जिसमें बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और ग्रामीणों का आना जाना मुश्किल हो चुका है। इसके चलते ग्राम के लोगों द्वारा नहर के समीप टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ग्रामीणों की मांग है कि पथ इंडिया कंपनी द्वारा हमारी क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण किया जाए, जहां आज संयुक्त कलेक्टर एसडीएम तहसीलदार मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया और 4 दिन के अंदर कंपनी ने अधिकारियों के सामने मौखिक रूप से कहा कि ग्रामीणों का कहना है कि हम जब तक धरने पर बैठे रहेंगे तब तक की सड़क नहीं बन जाती। आज 4 दिन हो गए, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार, आज चौथा रोज है धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ ग्राम भादू गांव में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4.50 किलोमीटर रोड है, वो पूरी तरह से पाथ इंडिया कंपनी के द्वारा 50-50 टन के ओवरलोड डंपर चलाने के कारण ध्वस्त हो चुका है। अभी तक कोई प्रशासन आया है आपके पास? अभी तक प्रशासन में पहले एसडीएम बड़ोली जी और चौहान साहब आए थे, आज वर्तमान में डीके सिंह साहब, अपर कलेक्टर बड़ोले साहब, चौहान साहब, पटवारी जी और पुलिस फोर्स आई थी। क्या क्या क्षति हुई अपने यहाँ? अपने यहाँ क्षति ये हुई है कि सबसे पहले तो अपना जो रोड है पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसको बनाया जाए, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 4 रोज के अंदर आपको पूरा डामर पेच करके और कौन सी लेयर बोलते हैं उसको, वो पूरी कंप्लीट करके। डंपर किस कारण चल रहे हैं? डंपर में ये बोला उन्होंने कि आप डंपर अभी चलने दो 4 दिन। क्या किस काम के लिए चल रहे हैं डंपर? डंपर चल रहा है खनन के लिए चल रहा है। क्या खनन कर रहे हैं? मट्टी खनन करके ले जा रहे हैं। कौन की जमीन है? जो आदिवासियों की जमीन है। तो ये इनकी परमिशन से कर रहे हैं कि अवैध रूप से इसका चल रहा है? उसमें परिवहन की परमिशन है इनके पास, लेकिन खुदाई की कोई परमिशन नहीं है। जो मूलतः वहाँ ये था कि जो भादू गांव की प्रधानमंत्री सड़क थी, जिस पर से मिट्टी उठाने या मुरुम उठाने के लिए पाथ इंडिया कंपनी को खनिज विभाग द्वारा अनुमति दी गई थी, उन डंपरों के कारण वहाँ की सड़क डैमेज हो गई थी। तो ग्रामीणों का यही वो था विरोध कि हमारी सड़क जो डैमेज हो गई है उस सड़क को निर्मित किया जाए, उसके बाद ही अन्य कोई कार्य किया जाए। इसी बात का विरोध लेकर वो 2-3-4 दिन से धरने पर बैठे थे। आज अंततः पाथ इंडिया कंपनी ने यह सहमति दी कि वो सड़क का निर्माण करेंगे, उसके बाद ही वहाँ से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। तो धरना खत्म किया है क्या साहब उन्होंने? धरना खत्म कर दिया। नहीं किया साहब, मैं अभी पहुंचा था मौके पे। नहीं तो टेंट लगाकर अभी भी रखा उन्होंने कि जब सड़क बनेगी। गाड़ियों का आना जाना प्रारंभ कर दिया है, टेंट उन्होंने इस हिसाब से लगा के रखा है कि क्या जो कमिट की गई है वो अगले 3 दिन या 4 दिन की जो कमिट हुई है कि 2-3 दिन पर पेंच वर्क होगा और नेक्स्ट डे यानी 4थे दिन से वहाँ डामरीकरण शुरू हो जाएगा, तो तब तक के लिए वेट एंड वॉच की दृष्टि से संभवतः उन्होंने टेंट लगा रखा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।